सर गुजरात काम करने गए थे हम दोनों, फिर वहाँ से मेरे पत्नी को मैंने घर पे भेज दिया था दशहरे के दिन। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि वहाँ फिर पैसे लेके आऊँगा मैं यहीं भी रुक रहा हूँ और तू घर पे चली जा। मैंने उसको घर पे भेज दिया। फिर करवा चौथ के दो दिन पहले फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं फिर अचानक फ़ोन आया था। फिर मैंने बोला एक बार मैं आ रहा हूँ। दो दिन बाद फिर करवा चौथ के पहले आ गया मैं यहाँ। फिर उससे पूछा क्या हुआ, कि मेरी तबीयत ख़राब है ज़्यादा और ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने मेरे परिवार वालों से बोला कैसी ऐसी तबीयत ख़राब इसकी, तो फिर मैंने जारवा हॉस्पिटल पे एड करवाया। फिर वहाँ से मेरी तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा ही, तो फिर उन्होंने बोला कि वह रतलाम रेफ़र करो। फिर रतलाम रेफ़र किया। उसके बाद में फिर वहाँ दो घंटे इलाज किया, तीन घंटे। फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज ले गए। फिर वहाँ पर इलाज चालू हुआ। फिर उसके बाद में डेथ हो गई। अच्छा, डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण कुछ बताया आपको? कारण तो नहीं बताया सर, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जांच आज के अस्पताल में कुछ मालूम पड़ा उनको। क्या मालूम पड़ा? कि गोली गर्भवती की गोली हुई। कैसे? दो दिन पूर्व मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में एक महिला जिसका नाम रंजना, पति दिनेश नायक, उम्र करीब 28 साल, ग्राम नवलखा पिपलोदा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसको उसके परिजन पिपलोदा से थाने यहाँ मेडिकल कॉलेज में लेके आए थे और प्राय जो प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि ये महिला गर्भवती थी और उसके द्वारा कुछ गर्भ निरोधक की गोलियां खा ली गई थी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। उसको लेके आया तो यहाँ चूँकि बॉडेड लेके आए थे, मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसका PM अगले दिन किया गया था और यहाँ प्राथमिक जाँच हमारे थाने पर की गई थी और अग्रिम जाँच के लिए चूँकि डायरी और उसका क्षेत्र महिला का जो ग्राम नवलखा है वो पिपलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसलिए अग्रिम जांच के लिए वहाँ पर डायरी भेज दी गई है। जो प्राथमिक पूछताछ हुई है भी PM रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई नहीं है और जो प्राथमिक पूछताछ हुई उसमें जो परिवार वालों ने बताया कि ऑलरेडी उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे और चूँकि महिला गर्भवती हो गई थी इस वजह से उसी के द्वारा कुछ गर्भ निरोधक के लिए कुछ खा लिया गया था निरोधन के लिए, तो इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई है। YouTube चैनल MB News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।